दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 रुपये और आप बिल्ड करना चाहते हो एक गेमिंग पीसी तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो गाइस अगर एक बार बात करें उन कंपोनेंट्स की जो मैंने यूज़ किए हैं इस बिल्ड के अंदर, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गाइस बिल्ड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं इस बिल्ड के अंदर वो सारे के सारे वेरीफाइड है अमेज़ोन के द्वारा, और मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया प्राइस से रिलेटेड कि यार कि थोड़ा सस्ता करने के चक्कर में मैं लोकल प्रोडक्ट आपको बता दूं। सो गाइस बिल्ड के अंदर जितने भी मैंने पार्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे अच्छे ब्रांडेड और क्वालिटी वाले पार्ट्स यूज़ किए हैं, तो गाइस आपको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो गाइस अब और बिना टाइम बर्बाद किए हम हमारे गेमिंग पीसी बिल्ड की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे इस गेमिंग पीसी बिल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि इसका प्रोसेसर। हमने इसके अंदर प्रोसेसर लिया है राइजन की तरफ से आने वाला राइजन 3 3200G। अब गाइस आप काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल आ रहे होंगे माइंड के अंदर कि यार मैंने इंटेल की तरफ से प्रोसेसर क्यों नहीं लिया, इंटेल का भी आ रहा है i3 9th generation। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सारे जो सवालों का जवाब है एक बात से देना चाहूँगा, इसके अंदर जो प्रोसेसर बताया मैंने राइजन 3 3200G, ये 2nd generation का प्रोसेसर है और राइजन के अंदर आपको पता है लेटेस्ट 3rd generation चल रही है, मतलब अगर इंटेल से कंपेरिजन करूँ तो ये 8 या 9th generation का प्रोसेसर आप मान सकते हैं इंटेल के अकॉर्डिंग। और गाइस एक बात और आपको कहना चाहूँगा, इसके अंदर इनबिल्ड आता है 2GB ग्राफिक कार्ड। दोस्तों आपने सही सुना, इसके अंदर 2GB ग्राफिक कार्ड इनबिल्ड आता है, मतलब आप GTA 5 वगैरह सारे गेम खेल सकते हैं बिना ग्राफिक कार्ड के। और गाइस इस प्रोसेसर के अमेजोन पर प्राइस है 8,280 रुपये। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम सेकंड कंपोनेंट्स की ओर, जो कि हमारा मदरबोर्ड। गाइस यकीन मानिएगा हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके एक वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड आपके लिए निकाला है। अगर आप इन फ्यूचर अपग्रेड भी करते हैं तो इसके अंदर आप राइजन 7 लगा सकते हैं 3rd generation तक का। तो गाइस यार मतलब जो मदरबोर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, और आपको बता दूँ ये आता है गीगाबाइट्स की तरफ से। और गाइस इस मदरबोर्ड की प्राइस है 4,400 रुपये। अगर तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात करें यानी रैम के बारे में बात करें, तो मैंने इसके अंदर यूज़ करी है DDR4 8GB RAM, जो कि क्रूशल कंपनी की तरफ से आती है। अगर मेगाहर्ट्ज की बात करो तो 2400 मेगाहर्ट्ज की आपको रैम देखने को मिल जाती है। अगर प्राइस की बात करो तो आपको 2485 रुपीज़ की देखने को मिलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे दाम में आपको काफ़ी बढ़िया रैम देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ तक बात करें चौथे कंपोनेंट की, जो कि हार्ड डिस्क है, तो गाइस मैंने इसमें यूज़ करी है 1 TB की हार्ड डिस्क, मतलब 1000GB की हार्ड डिस्क यूज़ करी है मैंने इसके अंदर। और गाइस मैं आपको सजेशन दूंगा कि यार आप ऑफलाइन मार्केट से इस हार्ड डिस्क को खरीद लें, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी महंगी बिक रही है। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं आप तो आपको 2500-3000 के बीच में मिल जाएगी। तो गाइस मैंने इसकी हार्ड डिस्क की रेट लगाई है 3000 रुपये। अगर गाइस बात करें पांचवे कंपोनेंट यानी पावर सप्लाई, आप बोल सकते हैं SMPS के, तो मैंने इसमें यूज़ किया है जेब्रोन की तरफ से आने वाला 800 रुपये का, जो कि चलता है 450 वोल्ट की पावर सप्लाई पर। गाइस अब बारी है सबसे लास्ट बट सबसे मेन कंपोनेंट की, जिसके बगैर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते भाई ये गेमिंग पीसी है ये कौन सा पीसी है। गाइस आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ एक गेमिंग कैबिनेट या एक 8GB लाइट वाला कैबिनेट। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी जो CPU है वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, उससे आइडेंटिफाई होता है भाई ये गेमिंग CPU है कि नहीं। इसलिए गाइस मैंने यूज़ किया इसके अंदर 2019 रुपये का आने वाला खतरनाक सा दिखने वाला एक गेमिंग कैबिनेट। अब गाइस यार बात करते हैं यार हमने कैबिनेट इतना थोड़ा महंगा यूज़ कर लिया, हालांकि अगर अपन नॉर्मल कैबिनेट यूज़ करते हैं तो अप्रोक्स अपन को 500 रुपये में देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस हमने थोड़ा गेमिंग जैसी फीलिंग आया इसलिए हमने 1500 रुपये एक्स्ट्रा इसमें दिए। अब गाइस जो हमारा जो पूरा बजट हो चुका है, पहले चल रहा था 19-20 अगर हम 500 रुपये वाला वो कैबिनेट नॉर्मल यूज़ करते, लेकिन गाइस अब थोड़ा बजट हमारा आगे हो चुका है, अब हमारा चल रहा है 20 से 21 हज़ार, मतलब 20 से 21 हज़ार हमारा बजट हो चुका है। एक बार गाइस हम पूरा बजट का जो हमारे जो मैंने प्रोडक्ट लिए सबका एक बार प्राइस का एनालाइज कर लेते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरी वीडियो को कुछ दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आओ कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं बिंदास होकर के। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो यहाँ तक देख ली तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिसका नाम है SSP Tech और मेरा नाम है गाइस सुरेंद्र सिंह पंवार। तब तक के लिए जय हिंद।